आगामी 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसको लेके पटना के कमिश्नर, डीएम और एसएसपी ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया। इस पूरे मामले को लेके पटना के कमिश्नर ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, 13 विभागों की झांकी निकाले जाएगी। और क्या कुछ कमिश्नर कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। यहाँ पर अगर बारिश होती है तो कुछ एरिया में छाता रखने की जरूरत है ना, अगर बारिश होती है तो कुछ एरिया में छाता रहे तो जाया पहुँचाया ले आया। हाँ कुछ छाता होता रहता है जाती है नहीं मतलब जज वाला। अच्छा छतरी करते हैं, छतरी टाइप का रहता है जो अच्छा नहीं रहेगा उस टाइप का छतरी रहता है जो बचता है ऊपर से बोल वाला टाइप क्या बोलते हैं मैदान पटना में राज्य स्तरीय समारोह स्वतंत्रता दिवस के लिए आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए रिहर्सल 13 अगस्त को किया जाएगा और जो मुख्य कार्यक्रम है वो तय कार्यक्रम के अनुसार 15 अगस्त को पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इसमें झांकियों के साथ साथ परेड की भी तैयारी की गई है और 13 विभागों की जो झांकियां हैं उसमें दिखाई जाएंगी और साथ साथ 16 ग्रुप्स के द्वारा यहां पर परेड भी किया जाएगा। गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक के लिए भी समुचित इंतजाम किए गए हैं, चिकित्सा के लिए भी समुचित इंतजाम किए गए हैं और इस वर्ष आम दर्शकों को भी अलाउ किया गया है। पूर्व में कोविड के कारण आम दर्शकों का के ऊपर प्रतिबंध रहता था, 26 जनवरी इस बार जो आयोजित किया गया तो उसी की भांति इस बार यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी दर्शक यहाँ पर आ सकते हैं। सर मौसम भी बरसात का है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई? मौसम को देखते हुए यहाँ पर तो जो भी तैयारियाँ हैं उसमें वाटर प्रूफ पंडाल लगाए गए हैं, साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जहाँ कहीं भी बारिश का के संभावना के कारण जल जमाव की बात होती है सभी जगहों पर उसको दुरुस्त किया गया है और इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में भी QRT टीम रहेगी जो इस तरह की किसी भी परिस्थिति से देखते हैं। सर ये सभी थाने को सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सुरक्षा के लिए गांधी मैदान में तो विशेष तैयारी रहेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले जितने भी रास्ते हैं उसमें भी विशेष व्यवस्था की गई है और सभी पूरे जहाँ तौर पे जिले में सभी जगहों पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसमें भी समुचित व्यवस्था की गई। ट्रैफिक में क्या बदलाव किया गया है? ट्रैफिक में यहाँ पर जो डाकबंगला चौराहा है वहाँ से आने में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि यहाँ पर एक निश्चित समय के बाद यहाँ पर आम जो गाड़ियाँ हैं उसको अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो दर्शक आएंगे उनके लिए भी गेट पर विशेष प्रबंध किए गए हैं और जो निर्धारित गेट हैं उसी से आ पाएंगे और जो भी इसमें दर्शक के अतिरिक्त जो भी यहाँ पर अंदर जो आगंतुक आमंत्रित किए जा रहे हैं उनके लिए भी आने जाने के लिए विशेष रूप से ट्रैफिक व्यवस्था।